हेलो दोस्तों, आशा की होप में आप लोग का स्वागत है। राखी आ रही है, रक्षाबंधन आ रहा है। आप लोग अपने भाइयों के कलाई पे राखी बांधिए और ये बालूशाही खिलाइए मिठाई। हम चल रहे हैं बालूशाही बनाने, जो कि रक्षाबंधन पे भाइयों को अपने बांधिए, बुलाइए, खिलाइए और राखी बांधिए। आधा केजी ये मैदा है 500 ग्राम और ये 250 ग्राम देसी घी है। ये देखिए 250 ग्राम देसी घी है और ये एक चम्मच के करीब ये नींबू है, नींबू का रस है। ये दो चम्मच के करीब ये बेकिंग पाउडर है। ये और एक चुटकी ये नमक है। ये और ये है दो हरी इलायची है, जो मैं कीट कूट के इसका पाउडर निकाल रही हूँ। तो ये हरी इलायची है, ये केसर है, ये चलिए केसर है। और ये 1 केजी चीनी है सीरा के लिए। ये आटा गूंथने के लिए हम गुनगुना पानी लिए हैं, आधा केजी होगा, आधा लीटर होगा। तो इससे चलेंगे आटा गूंथेंगे, तो जितना भी लगेगा उतना लगाएंगे। ये मैदे में हम सबसे पहले ये 250 ग्राम देसी घी है, इसको डाल लेंगे। और इसको ऐसे मसल लेंगे, इसको मिला लेंगे, एक एक समान कर लेंगे सब। देखिए हम मिक्स कर लिए हैं। अब इसमें हम बेकिंग पाउडर डाल के इसको थोड़ा सा, ये एक चम्मच ये डाल लिया, एक चम्मच और दो चम्मच के करीब आप डाल लीजिए तो काफ़ी है। अब इसको हम फिर ऐसे गोल गोल घुमा के इसको थोड़ा मिक्स करेंगे एक साथ। ये मैदे को बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है कि एकदम दबा लें, बस हल्का हल्का ऐसे रोल करते जाएं, बहुत ताकत नहीं लगाना है। अब इस देखिए हो गया, मिल गया। अब ये हम चल रहे हैं सामने, इसको गूंथने चलना है। तो गूंथने के लिए भी बहुत ताकत नहीं लगाना है और ये पानी है, गुनगुना है, इसको हम डालना है। इसको बस एक साथ इकट्ठा करना है, बहुत ज़्यादा इसमें ताकत नहीं लगाना है। देखिए हम इसको इकट्ठा कर लिए हैं, बहुत ज़्यादा इसको बस ऐसे ही करना है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं गूंथना ताकत लगा के। इतना ही गीला रहेगा ये। अभी आटे को हम गूंथ लिए हैं, अब चल रहे हैं इसकी चाशनी बनाने बालूशाही के लिए। इसको हम थोड़ी देर ऐसे पड़ा रहने देंगे। ये हम करीब आधा लीटर पानी लिए हैं, तो अब इसको हम कढ़ाई में डाल देंगे चाशनी बनाने के लिए और हम गैस को जला देंगे। अब हम चाशनी बनाएंगे, गर्म होगा तो इसमें हम डाल देंगे चीनी। अब 1 केजी जो चीनी लिए हैं उसको डाल देंगे। चीनी जब गलती है दोस्तों तो खुद ही पूरा ज़्यादा सा चाशनी ज़्यादा बन जाती है। अब इसको चलाते रहेंगे ताकि नीचे लगे। देखिए हमारी चाशनी मेल्ट हो गई, चीनी मेल्ट हो गई है। तो अब इसको 5 से 7 मिनट इसको और उबालेंगे, क्योंकि ये उबलने लगा है। उबलने के बाद 5-7 मिनट इसको और उबालेंगे। देखिए हमारी चाशनी तैयार हो गई है 5 से 7 मिनट में। और इसको हम पहचान इस तरह करेंगे कि इसको लेके इस तरह देखिए, पहले बड़ी तेज़ी से आता है, ये गिरता है, फिर इसके बाद धीमा होता है, धीमा होते होते उसमें एक और फिर डबल होते हुए गिरता है।
देखिए थोड़ा सा डबल भी आ रहा है, फिर ये देखिए, तब इसकी पहचान यही है कि चाशनी तैयार है। अब हम इसको उतार लेंगे, गैस पहले बंद कर देंगे और अब इसमें देखिए दो तीन धागे हम केसर के ये डाल दे रहे हैं। अब ये जो हरी इलायची दो कूट के रखे थे इसको भी इसमें मिला दे रहे हैं। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और ये जो एक दो चम्मच, एक चम्मच के करीब ये है इसको डाल देंगे, इसलिए नींबू का रस है ये, इसलिए इसको डालते हैं ताकि जो है जमने ना पाए चीनी, ये इसी तरह बनी रहेगी। गैस पे इसको ढक्कन लगा के इसको हटा देंगे। अभी हम आटा ये रखा था तो देखिए थोड़ा सा और सॉफ्ट हो गया है, अब इसको हम और मिलाएंगे इस तरह से ताकि ये लेयर बन जाएगी, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा हमको गूंथना नहीं है, ज़्यादा दिक्कत हो तो ये ऐसे ऐसे चाकू से ऐसे करके फिर इसको दबा दीजिए। फिर ऐसे करके देखिए ये लेयर बनती जाएगी, ये देखिए इस तरह से ये लेयर बनती जाएगी। अब हम इसको चलेंगे, लोई बनाएंगे इसकी, तो लोई में भी बहुत ताकत नहीं लगाएंगे, हल्की हल्की लोई बनाएंगे। ये देखिए बन गई, इसमें ऐसे होल करेंगे और दोस्तों होल अच्छी तरह करेंगे, क्योंकि ये रखने के बाद ये मैदा जो है सिकुड़ने लगता है, तो थोड़ा बड़ा ही होल करेंगे ताकि मैदा जो है सिकुड़ने के बाद होल बंद ना हो। ये होल पूरा होना चाहिए क्योंकि इसी में से तेल जाके थोड़ा इधर भी पकेगा और इधर से भी दोनों तरफ से ही पकता है। इसी तरह हम सब बना लेंगे। ये मेरी इतनी बन चुकी है, अब चल रहे हैं गैस गैस पे कढ़ाई रखने, तेल गरम होगा तब तक इसको हम बना लेंगे। ये देखिए गैस जल रही है, तेल रख दिए हैं, अब तेल के गरम होने का इंतजार है। देखिए हम इस तरह बना रहे हैं, इस तरह भी आप बना सकते हैं। तो इसको ऐसे देखने के बाद देखिए ये जाली जाली सी ये लेयर दिख रही है, तो ये अच्छा सोक करेगा ये रसे को, सीरे को, इसमें ऐसे करके हम डाल बना लेंगे। इसमें भी देखिए ये दिख रहा है, ये देखिए पूरी अच्छी खासी जाली दिख रही है। अब इसको ऐसे राउंड लेके बना देंगे इस तरह से। देखिए ये टुकड़ा मैंने डाल दिया जरा से, तो तेल हमारा गर्म हो गया क्योंकि ये फूल के ऊपर आ गया, तो अब इसको निकाल देंगे। अब चलेंगे इसमें ये सब डालने जितना ये बना है, फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर देंगे, एकदम लो फ्लेम। और इसको धीरे धीरे पकने देंगे।
बस देखिए ये सारा फूल गया है और फ्लेम इसकी एकदम लो और मीडियम के बीच में होना चाहिए, तो हम थोड़ा सा और बढ़ा दे रहे हैं इसको, इसकी फ्लेम को मीडियम कर दे रहे हैं और इसको हम देख रहे हैं, पलट ले रहे हैं। अभी थोड़ी देर में पलटेंगे क्योंकि अभी लाल नहीं हुआ, थोड़ा लाल हुआ है, इसको हम चलना है पलटने। देखिए ये लाल हो गया है, इस तरह करके इसको कई बार इस तरह उलट पलट के जो है हम लाल कर लेंगे अच्छे से। तो अभी ये थोड़ा पकेगा, अभी और लाल होना है इसे। देखिए ये हमारा बहुत अच्छे से हो गया और दोनों तरफ हो गया, इधर भी हो गया और इधर भी, देखिए दोनों तरफ हो गया अच्छे से। अभी हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसमें दूसरी शिफ्ट फिर डाल देंगे, आँच बिल्कुल धीमी है, फ्लेम बिल्कुल धीमा है, दूसरी और डाल देंगे तो ये इसमें पकता रहेगा। देखिए दोस्तों सीधा मेरा ये हो गया। दोस्तों मैंने मैदा में नमक डालना भूल गई थी, तो नमक डालना भूल गए थे एक चुटकी, तो इसमें डाल देंगे क्योंकि टेस्ट का अंतर होता है और नमकीन नहीं लगेगा, ये बस टेस्ट बदल जाएगा थोड़ा। इसमें थोड़ा घोल ले रहे हैं, चाशनी अभी गर्म है, फिर मैं इसको डाल दे रही हूँ, जितना ये बनाई है ये इसमें डाल दे रही हूँ। इसको 3 मिनट के बाद इसको हम फिर निकाल लेंगे, तो फिर हम इसको ढक दे रहे हैं डाल। ये डूब चुका, अब इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद फिर इसको हम 3 मिनट और इसको छोड़ेंगे, फिर हम किसी बर्तन में इसको निकाल लेंगे। देखिए रसा अच्छे से सोख रहा है, इसको 3 मिनट बाद फिर देखिए अच्छे से ये सोख हो गया है, सोख लिया है। अब इसको हम निकाल लेंगे दूसरे बर्तन में, 3-3 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, 3 मिनट एक तरफ, 3 मिनट एक तरफ, फिर आप निकाल लीजिए, तो इससे सोखने की जो क्रिया है वो अच्छी हो जाती है। तो सारा मैंने निकाल लिया, इसको ऐसे करके इसको किसी भी चीज के ऊपर ऐसे करके सारा सिरा ऐसे चू जाएगा। इसको हमको इस तरह से लाइनिंग बना देना है, सारे जो है सिरे इसके चू जाएंगे इस तरह से, फिर इसको हमको डालना पड़ेगा। इस तरह से हम बना लेंगे पूरा। ये हमारा हो चुका है, इसको भी हम निकालना है। निकाल के इसको मैं तुरंत डाल दूंगी। तुरंत इसमें डाल दे रही हूँ इसको। देखिए दोस्तों हमारी बालूशाही बनके देखिए तैयार हो गई, कितनी बढ़िया रसभरी। देखिए इसको, देखिए खोल के दिखा रहे हैं, देखिए
कितनी अभी गरम गरम है, देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में। देखिए मैं दूसरी भी खोल के दिखाती हूँ, देखिए कितनी अच्छी बालूशाही तैयार हो गई है। और इसको घर पे खुद खाइए और भैया को राखी बांधने जाइए तो लेके जाइए, मुँह मीठा करिए, भैया को बुलाइए, उनको भी खिलाइए, आप भी खिलाइए। अगले एपिसोड में हम ज़रूर मिलेंगे। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय टाटा।